राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सी वोटर का सर्वे आ चुका है। इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का रिपीट होने का दावा करने वाली कांग्रेस को झटका लगा है। लेकिन जानकारों की माने तो अगर सचिन पायलट और गहलोत एक होकर चुनाव लड़े तो शायद गहलोत सरकार राजस्थान की बदलती सरकारों के रिवाज को तोड़ सकती है। सर्वे में कांग्रेस पार्टी के लिए चौंकाने वाले आंकड़े आए, जहां एक और सरकार रिपीट करने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी को महज 78 से 28 सीटें मिलने की बात सामने आई। वहीं सर्वे में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत बताकर 109 से 119 सीटें मिलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सर्वे रिपोर्ट में जो सीटों का अंतर आ रहा है वो करीबी है। इस अंतर को कैसे समाप्त किया जाएगा, इसको लेकर कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश कांग्रेस को गहन चिंतन करने की जरूरत है, तभी उनके सरकार के रिपीट होने का सपना पूरा हो सकेगा। जानकारों की माने तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है पायलट और गहलोत के बीच तालमेल। सर्वे में केवल 20 और 25 सीटों का ही बीजेपी और कांग्रेस में अंतर बताया गया है। ऐसी स्थिति में अगर सचिन पायलट और उनके समर्थकों को साथ लिया जाए तो कांग्रेस की ये डगर आसान हो सकती है। वहीं सीएम की पसंद में भी गहलोत ही टॉप पर है। यहां तक कि सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि गहलोत के काम करने से मैक्सिमम जनता संतुष्ट है। तो साफ है कि ये एक काम कांग्रेस के लिए राजस्थान में सक्सेसफुल हो सकता है। राजस्थान में सचिन पायलट का गुर्जर नेता के तौर पर काफी प्रभाव है। इसके चलते प्रदेश की 40 सीटें ऐसी हैं जिन पर सचिन पायलट का अच्छा खासा प्रभाव है। इनमें सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, करौली, भरतपुर समेत जिलों के कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पायलट का अच्छा खासा प्रभाव है, जहां गुर्जर मतदाता अधिक संख्या में हैं, जो चुनाव परिणाम निर्धारित करने में पर्याप्त शक्ति रखते हैं। खास बात यह है कि गुर्जर समुदाय शुरू से ही बीजेपी का समर्थन करता रहा है। 2018 में भी सचिन की वजह से गुर्जर समुदाय का वोट कांग्रेस की तरफ आ गया था, ये भी कांग्रेस की जीत का एक बड़ा कारण था। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस पायलट को पक्ष में ले लेती है तो कांग्रेस को गुर्जर बहुल्य सीटों पर अच्छी बढ़त मिल सकती है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सर्वे के बाद आलाकमान और प्रदेश कांग्रेस को सबक लेकर रणनीति में बदलाव करना होगा। सचिन पायलट और उनके समर्थकों को पूरा विश्वास दिलाना होगा कि उन्हें इस चुनाव में पूरा साथ और तवज्जो दिया जाएगा। उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि पायलट को अब महत्वपूर्ण पद मिलेगा। इसके अलावा हर चुनावी रणनीति, चाहे टिकट वितरण हो, सभी में पायलट और उनके समर्थकों को महत्व देना होगा। इसके बाद ही कांग्रेस को पायलट समर्थित 40 सीटों से अच्छी बढ़त मिलने की संभावना है, जो कांग्रेस के रिपीट होने के आंकड़े के काफी करीब है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।